हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ, जिनका भी सिलेक्शन सीजीएल 2022 से हुआ है। आज खास करके ये वीडियो उनके लिए ही है, क्योंकि एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था और मेरा जो यूनियन का ग्रुप है उसमें आया था, तो उसमें कोई फेक न्यूज़ वाला नोटिस नहीं आता है, इसलिए हम उसके बारे में लाइव आकर वीडियो बना दिए। लेकिन जब हम साइट पर कोशिश किए देखने के लिए तो वो नहीं मिला कहीं भी इंडिया पोस्ट के साइट पर, तो इसलिए उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का कोई वीडियो नहीं बनाना चाहते, क्योंकि कल जब तक ऑफिस हम जाएंगे नहीं और ऑफिस के जो ऑफिस का जो मेल आईडी है उस पर जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक। और बहुत लोगों का, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि ये फेक वीडियो है जो भी 2022 के कैंडिडेट हैं, तो मेरा उनसे एक ही बात कहना है कि अगर ये फेक भी होगा तो फिर भी जो वैकेंसी दिख रहा है सर्कल में वो चेंज होने वाला है, क्योंकि जो 2022 का जो हम लोगों का रूल 38 का न्यू रूल आया था उसमें ये साफ कहा गया था कि 2022 का जो भी वैकेंसी है वो रूल 38 के लिए है, और रूल 38 मतलब ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए है। तो मैक्सिमम लोगों का, बहुत सारे लोगों का इस प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ है। मैक्सिमम हर साल किसी भी सर्कल में 100 लोगों का ट्रांसफ़र मैक्सिमम होता था, लेकिन इस साल बहुत ऐसे सर्कल जैसे दिल्ली सर्कल में 400-400 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, और कोलकाता में भी 200-300-400 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसलिए कुछ ऐसे सर्कल है जिसमें बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, झारखंड, राजस्थान, ये सब स्टेट में बहुत सारा ट्रांसफ़र हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो डायरेक्टरेट का नोटिस रूलिंग आया था उस हिसाब से तो यहाँ पे कम ही होने वाला है सीट, ना हो तो अच्छा है, लेकिन जो नोटिस आया था उस हिसाब से बोल रहे हैं। और कौन से स्टेट में कम ट्रांसफ़र हुआ है, वो है बिहार, यूपी, हरियाणा, ये सब जगह कम ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ा कम चेंजिंग आएगा। लेकिन फिर भी जो भी हो, लेकिन आप डरना मत, ऐसा नहीं कि आप डर जाना। तो अच्छा, जो ये नोटिस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ कि नोटिस में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इंडिया पोस्ट में मैक्सिमम सिलेक्शन हो, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो इस, लेकिन SSC के थ्रू ये मात्र 60% लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। तो मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए जो भी लोग अभी पास्ट में रिटायर्ड होने वाले हैं, अभी उनको रिटायरमेंट को है, उनका भी सीट बोल रहा है क्रिएट करने के लिए, ताकि जो मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो सारे लोग उस एडजस्ट हो जाए, यही सब बात उसमें है। और जो रिटायरमेंट के अगेंस्ट जो लोग जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उसका कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में कैंडिडेट और जो रिटायर्ड होगा उसका नाम लिखना है कि ये लड़का उस आदमी के रिटायरमेंट के वैकेंट सीट पे ज्वाइन करने वाला है, ऐसा सब कुछ है। और फिर बोल रहा है डोजियर भेजने के लिए, देखो क्या है, अगर फेक ही होगा कोई ठीक नहीं है, फेक भी हो सकता है, लेकिन नोटिस जो भी आया वो एग्जैक्ट सब कुछ लिखा हुआ है उसमें 2022-23 की वैकेंसी के लिए, लेकिन इसका जो है कल हम आपको बताएंगे कि ये सही है या गलत। तो आप डरना मत, अभी से ही कुछ लोग डरने लगे कि यार मेरे को होम टाउन नहीं मिलेगा, लेकिन या क्या होगा नहीं होगा। तो होम टाउन के लिए हम यही बताना जा रहे हैं कि आप किसी, जैसे आप कोई भी स्टेट से हो, मान लो दिल्ली से हो या राजस्थान से हो या फिर कोलकाता से हो, तो 2 से 2.5 साल में मैक्सिमम आप दूसरे स्टेट में रहोगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 2.5 साल मैक्सिमम, क्योंकि ये रूलिंग आ गया है कि उस ईयर का जो वैकेंसी क्रिएट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 का जो CGL का पोस्ट का जो वैकेंसी रहेगा वो सबसे पहले बोल रहा है ट्रांसफ़र के लिए देने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफ़र आप लोगों का जल्दी हो जाएगा, कुछ स्टेट में ट्रांसफ़र होने में देरी लगता है, जैसे हरियाणा हो गया, यूपी, बिहार, ये सब में 5 से 6 साल जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। तो इन सारे स्टेट का जो है वो पहले से ही मूड बना ले, अगर आपका दूसरी जगह होता है तो आपको कितना टाइम लगने वाला है ट्रांसफ़र के लिए, और जल्दी हो जाए तो वो तो किसी के लिए भी बेस्ट है। एक लोगों का कमेंट था कि क्या स्टेनो का पोस्ट इंडिया पोस्ट में है और उसका वर्क क्या है, तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि स्टेनो का भी पोस्ट इंडिया पोस्ट में है, उसका वर्क ये है कि वो
जो हमारे सबसे बड़े हेड हैं डायरेक्टर, आईएएस लेवल के, लगभग आईएएस लेवल के लोग हैं, उनका जो पीए होता है वो स्टेनो ही होता है। उनका काम बस वही है कि जो फाइल आया वो डायरेक्टर के पास पुटअप करना, और जो किसको वो फाइल फिर वो डायरेक्टर रिमार्क करते हैं उसको देना, बस इतना सा ही काम है और कुछ भी नहीं है। एक भाई ने कमेंट किया है कि प्रमोशन का क्या है पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो देखो नॉर्मली एक प्रमोशन है अकाउंटेंट का, लेकिन वो सिर्फ प्रमोशन है, उसमें कोई भी अपने को सैलरी में बेनिफिट नहीं है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एक है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए, तो वो 8 साल के बाद आप एलिजिबल होगे, तो उसमें वो तो आपको पता ही है कि वो सीजीएल से 4600 ग्रेड पे वाला जॉब है। उसके 2 साल के बाद फिर एक डिपार्टमेंटल आप एग्ज़ाम दे सकते हो ग्रुप बी पोस्ट का, जो कि 5400 ग्रेड पे का है। नॉर्मली अगर आप कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हो तो 10 साल में आपको 2400 से 2800 ग्रेड पे में जाएंगे, और फिर नेक्स्ट 10 ईयर में 2800 से 4200, फिर उसके बाद 10 साल में 4600 ग्रेड पे में होगा, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हो तो। ठीक है, और फिर और देखो वो तो नोटिस मैंने सबको शेयर कर दिया है, लेकिन अगर वो फेक होगा तो उसके लिए सॉरी अभी बोल देते हैं, क्योंकि हम वैसा ये फेक न्यूज़ फैलाना नहीं चाहते हैं क्यों, लेकिन मेरे को जो इम्पोर्टेंट ऑफिस के जो हेड हैं, मतलब अपने सेक्शन के हेड है, वह उस उन्होंने ही सेंड किया था, इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को बता दें, लेकिन अभी देखते हैं कल जाके क्या होता है। और जो भी है आप अच्छे से पढ़ो, 2023 की अच्छे से तैयारी करो और लगे रहो, और फिर मेरे से जितना भी हो सकता है मैं अपने तरफ से आप लोगों को कोशिश करूँगा कि जो एक्चुअल बात है वो बताने का, फेक न्यूज़ नहीं देने का। और कल देखते हैं ऑफिस जाके, अगर जो न्यूज़ होगा तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने का। ठीक है, और जो भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो मैं आप लोगों को तक पहुंचा सकूं। और क्या बोल सकते हैं, गुड नाइट एंड थैंक यू। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहता है, और इससे जिसके कारण थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो चलो बाय, गुड नाइट।